वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र कुमार, जीएससी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ओके बच्चों, टुडे आई विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग। इनमें अभी मैंने क्या देखा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या इसका ओवरव्यू देखा था कि आपका टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग में, ठीक है, एक्सपेंडेबल मोल्ड के बारे में पढ़ा था, और जो क्या है आपका टेम्प्रेरी है और परमानेंट जो मेटालिक था, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था, उसकी कैटेगरी के बारे में पढ़ा था। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, डिटेल वाइज क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं एक्सपेंडमेंटल क्या, एक्सपेंडेबल मोल्ड क्या होता है आपका, ठीक है, उसे टेम्प्रेरी मोल्ड भी कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, लॉस्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, मोल्ड भी बोलते हैं, और कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है इवेपोरेटिंग कास्टिंग, ठीक है, इवेपोरेटिंग कास्टिंग। तो देखो बेसिक क्या होता है, आपसे एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछे जाए एक्सपेंडेबल मोल्ड में जनरली आपका पैटर्न किस मटेरियल का बना होता है, तो आप क्या बोलोगे, पॉलीस्टरीन, ठीक है, क्या बोलोगे, पॉलीस्टरीन। मान लो एक पैटर्न बना है, मान लिया मैंने क्या, एक पैटर्न बना है, ये पैटर्न देख लो, ये बना है किसका, पॉलीस्टरीन का, ये बना है बेटा आपका पॉलीस्टरीन का, ये पैटर्न बना है। अब इस पैटर्न को क्या किया मैंने, एक फ्लास्क में, ठीक है, प्लेस किया, और उसमें उसके सराउंडिंग क्या किया मैंने, मोल्ड, यानी सिलिका मोल्ड, ठीक है, या सैंड क्या हो गया, सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि उसको रैम करके क्या कर रहे हैं, एक फ्लास्क में, ठीक है, ये आपका पैटर्न क्या कर रहा हूँ, फिक्स कर दे रहा हूँ। अब सपोज मैंने क्या किया, प्लस में जितने भी सिलिका सैंड वगैरह रैम करके बाद एक प्रॉपर क्या होता है, प्रेशर जनरेट करने के बाद मैंने क्या किया, फिट कर दिया। अब देखो ये किसका बना था, पॉलिस्टरीन का। नेक्स्ट स्टेप में मैं मोल्टेन मेटल को क्या कर रहा हूँ, पोर कर रहा हूँ। तो अब जैसे देखो मोल्टेन मेटल के टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, क्या है आपका, हाई टेम्परेचर है। जब हाई टेम्परेचर किसके कॉन्टेक्ट में स्टार्टिंग पॉइंट से आएगा आपका, ठीक है, पॉलिस्टरीन के, किसके, पॉलिस्टरीन के, तो पॉलिस्टरीन क्या होगा आपके हाई टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में आते ही मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, क्या होगा आपका, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जैसे जैसे मेल्ट होगा वैसे कैविटी जनरेट हो जाएगा, मोल्टेन मेटल क्या हो रहा है यहाँ पर डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम मोल्टेन मेटल तब तक पोर करते रहेंगे जब तक पूरा का पूरा क्या हो जाए आपका, ठीक है, पॉलिस्टरीन पैटर्न क्या इवेपोरेट ना हो जाए, यानी मेल्ट ना हो जाए, तब तक क्या करेंगे हम लोग उसको मोल्टेन मेटल प्योर करेंगे। एक बार मोल्टेन मेटल प्योर करने के बाद उसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं सॉलिडिफिकेशन होने का, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन होता है। अब क्या होगा, ये मेटल आपका क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन होगा। सॉलिडिफिकेशन होने के बाद आपका देखोगे जो प्रोडक्ट बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, इस टाइप में क्या आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आप जो मोल्टेन मेटल डाले हो, ठीक है, आपका मोल्टेन मेटल जो डाले हो, आप मोल्टेन मेटल डाले हो तो बेसिकली क्या होगा उसका बनेगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, नॉन फेरस मटेरियल को करते हैं, नॉन फेरस, ठीक है, नॉन फेरस मटेरियल का ही हम कास्टिंग करते हैं, किसमें, एक्सपेंडेबल में, ओके। नॉन फेरस का मतलब हुआ जैसे कि ये मान लो, ठीक है, नॉन फेरस हो गया एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब आप मटेरियल होंगे, तो इस मटेरियल को हम कास्टिंग करेंगे जनरली किससे, एक्सपेंडेबल मोल्ड से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये था कि हम ठीक है, हमारा जो पैटर्न एक्सपेंडमेंट का ये मतलब हुआ कि हमारा जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, मेल्ट या इवेपोरेट हो जाएगा, किसके कांटेक्ट में, जब मेटल क्या करेंगे, मेटल मोल्टेन मेटल को क्या करेंगे, पोर करेंगे, और उसके कांटेक्ट में हमारा जब आपका पैटर्न आएगा तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के बोल देंगे हम लोग एक्सपेंडेबल मोल्ड, क्या बोलेंगे, एक्सपेंडेबल मोल्ड। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, या तो आपसे चार पूछे, चार ना पूछ देगा, इवेपोरेटिव टाइप कास्टिंग किसका है, एक्सपेंडेबल टाइप है, एक्सपेंडेबल मोल्ड टाइप है, ठीक है, ये नाम, लास्ट फॉर्म प्रोसेस कैसा है, एक्सपेंडेबल मोल्ड है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या आपसे पैटर्न के बारे में पूछ लिया जाएगा, जो पैटर्न होगा वो प्रोसेस किससे प्रोसेस होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है, क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, ये भी आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे। और इससे क्वेश्चन और पूछा जाएगा, जनरली नॉन फेरस मटेरियल पर क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं, कौन से मटेरियल पर, नॉन फेरस मटेरियल यूज करते हैं। और हाँ, जो टाइप्स पूछे जाते हैं बेटा, टाइप्स, ठीक है, आप कास्टिंग का नाम दे देगा, उसमें चार ऑप्शन दे देगा, कि आप बोल देगा इसमें से चार ऑप्शन दे देगा, कौन से इसमें से एक्सपेंडेबल टाइप नहीं है, तो या तो तीनों रहेगा, चौथा ऑप्शन कहीं और दे देगा, तो उसमें क्या होगा, उसको टिक करोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंडेबल मोल्ड में कौन कौन से टाइप ऑफ कास्टिंग आते हैं, ओके। तो मान लो मैं टाइप्स की बात करूंगा, तो पहला होता है आपका एक्सपेंडेबल मोल्ड में आपका सैंड कास्टिंग, ठीक है, सैंड मोल्ड कास्टिंग आपका होता है आपका एक्सपेंडेबल में। सेकेंड बेटा आता है आपका इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, क्या आता है आपका
इन्वेस्टमेंट कास्टिंग ये भी किसके टाइप हो गया, एक्सपेंडेबल मोल्ड के, कैसा, एक्सपेंडेबल मोल्ड के टाइप में कैटेगरी में आ गया। और आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन CO2 मोल्ड, कार्बन डाइऑक्साइड मोल्डिंग, ठीक है, ये भी आ जाएगा किसमें, एक्सपेंडेबल मोल्ड में। और आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा फुल मोल्डिंग, ये भी किसके टाइप में कैटेगरी में आ गया आपका, एक्सपेंडेबल मोल्ड में। तो ये आपको क्या आपके जितने भी ये हैं टाइप्स, ये आपको याद रखने का, ये किसके आने हैं, किसकी कैटेगरी में आने हैं, एक्सपेंडेबल में। तो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ कास्टिंग कैसा है, परमानेंट है कि क्या है, टेम्परेरी है, तो आप लोग टेम्परेरी, या आपसे बोल देगा एक्सपेंडेबल है कि ये क्या होता है, नॉन एक्सपेंडेबल है, तो आप बोलोगे एक्सपेंडेबल है, ठीक है। किसमें से क्वेश्चन पूछ देगा, चार ऑप्शन, तीन ये दे दिया कुछ, आप मेटल कास्टिंग का ऑप्शन रख देगा, उसमें से कौन सा एक्सपेंडेबल नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या, डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर बात करूं मैं, सेकेंड बात करता हूं परमानेंट मोल्ड की, ठीक है, परमानेंट मोल्ड की, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक मोल्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटालिक मोल्ड। बेसिकली मोल्ड जो होता है हमारा, मेटल का बना होता है, इसमें कैसा बना होता है, मेटल का बना होता है। इसे हम क्या कर सकते हैं, टीयर और वियर नहीं कर सकते, टीयर और वियर नहीं कर सकते, ओके। तो जैसे आपसे कैटेगरी में पूछ देगा परमानेंट, ठीक है, परमानेंट में कौन कौन से आते हैं कास्टिंग, तो आपने को बोलना है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आता है, और क्या आता है, डाई कास्टिंग आता है, उसके बाद स्लस कास्टिंग आता है, ठीक है। डाई कास्टिंग मैंने दो टाइप पढ़ा था, ग्रेविटी और प्रेशर टाइप, और प्रेशर में भी मैंने दो देखा था, हार्ड डाई कास्टिंग और कोल्ड डाई कास्टिंग। देखो ये तो इंपॉर्टेंट है, मैं इसको डिस्कस करूंगा, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, और एक एग्जाम्पल यहाँ से बनते हैं, कौन कौन से मटेरियल पे कौन कौन से कास्टिंग की जाती है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ, अगर मैं बोलूँ पिस्टन बनानी है किसी भी इंजन की, ठीक है, अगर एल्युमिनियम बेस बनानी है तो हम ग्रेविटी टाइप करेंगे, ठीक है, ग्रेविटी टाइप करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से कास्टिंग से कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है कि ये एग्जाम्पल कैसे कौन से बनते हैं, तो हम करेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखो ये आपको पता होगा, सेंट्रीफ्यूगल डाई और स्लस कास्टिंग, यह होगी परमानेंट में। अब बात करता हूं किसकी बात करता था, एक्सपेंडेबल की बात करता हूं, किसका बात करता हूं, एक्सपेंडेबल में। एक्सपेंडेबल में मैंने पढ़ा था, तो एक्सपेंडेबल मोल्डिंग कास्टिंग की बात कर रहा हूं, इसमें आपका एक टाइप आया था इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, क्या आया था आपका, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में देखो, उसे बोलते हैं हम लोग लास्ट वैक्स प्रोसेस, ठीक है। पैटर्न जो बेसिकली प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है, किसका बना होता है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में पैटर्न किसका बना होता है, प्लास्टिक और वैक्स का बना होता है, किसका बनाता है, वैक्स का बना होता है, ठीक है, प्लास्टिक और वैक्स का बना होता है, जनरली वैक्स क्वेश्चन में पूछा गया है, ओके। तो बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पैटर्न इन्वेस्टमेंट टाइप में किस पैटर्न का मटेरियल का बना होता है, तो आप बोलोगे प्लास्टिक और वैक्स से बना होता है। अब देखो मान लिया मैंने वैक्स का एक पैटर्न बनाया हूँ, ठीक है, या प्लास्टिक का पैटर्न बनाया हूँ या वैक्स का पैटर्न बनाया हूँ। अब इस पैटर्न को क्या कर रहे हैं हम लोग, किसमें कर रहे हैं, एक स्लरी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, स्लरी ले रहे हैं। तो स्लरी में बेसिकली देखो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है, स्लरी में जो मटेरियल होते हैं क्या कौन सा होते हैं, तो आपको याद रखने इथाइल सिलिकेट, कौन सा, इथाइल सिलिकेट जो होते हैं ये ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज होते हैं उसके, ठीक है, स्लरी के। और कंपोनेंट होते हैं सिल्का सैंड, बाइंडर, वाटर और इथाइल सिलिकेट, सम एसिड पार्ट होते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, ठीक है, आपका जो स्लरी यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में, वो उसका कंपोजिशन क्या होता है या मैक्सिमम क्या होता है, किसका बना होता है, तो इथाइल सिलिकेट का बना होता है। तो अब क्या करेगा हमारा सिलिकेट, क्या होगा इस सरफेस पे, क्या होगा इस सरफेस पे, क्या होगा चिपक जाएगा, ठीक है। स्लरी क्या होगा इस सरफेस पे, क्या होगा हमारा, ठीक है, जितने भी सरफेस कॉन्टेक्ट में आएगा स्लरी, वो क्या करेगा, चिपक जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इस टाइप का एक, ठीक है, एक डायग्राम, रॉ डायग्राम बना दिया हूँ। इसमें स्लरी क्या आ रही है, क्या हो रही है, कॉन्टेक्ट में आ रही है आपके पैटर्न के, ठीक है। अब देखो उसके बाद मैंने उसको हीट कर दिया, क्या किया हम लोगों ने, हीट कर दिया। देखो यहाँ पर हमारा स्लरी लगा हुआ था, क्या था, स्लरी लगा हुआ था, इसके किनारे स्लरी लगा हुआ था। तो ये स्लरी लगा हुआ था मान लो, अब मैंने क्या किया, इसको हीट कर दिया,
तो हीटिंग करने के बाद हीटिंग करूंगा तो स्लरी क्या होगा, धीमे धीमे इस पर पूरा तरह से क्या होगा, डिपॉजिट होगा। अब देखो यहां पर सेम वैसे ही है आपका, तो आप यहां इस फिगर में देखोगे तो इस फिगर में ठीक है। अब मॉल्टन मेटल को क्या कर रहा हूं, लोगों ने पोर कर रहा हूं, तो आप देखोगे यहां पे मॉल्टन मेटल क्या हो जाएगा, यहां पर मॉल्टन मेटल आप फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मॉल्टन मेटल कहां चला जाएगा ठीक है। अब देखो ये वैक्स का बना होता है, सेम प्रोसेस वही है, वैक्स का बना होता है, हाई टेम्परेचर है, कंटेक्ट में आएगा, वैक्स क्या हो जाए मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा आपका मेटल आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका मेटल आ जाएगा, ये आपका क्या हो गया मेटल हो गया, ये पोर होता जाएगा ठीक है, यहाँ पे सब क्या हो जाएगा मेटल आ जाएगा। तो अब हमें क्या करूँगा उसको क्या करूँगा, ब्रेक करूँगा, तो हमारा एक पैटर्न इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा ठीक है। हाँ ये आपका मेटल आ जाएगा इसमें ना, इसको तोड़ देंगे तो यहाँ से तोड़ दिया तो आपका ये वाला बचा ना, ये बचा, तो ये आपका क्या हो गया प्रोडक्ट बन जाएगा इस टाइप में ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट कास्टिंग हमारी हो गई। देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके एग्जाम्पल पे ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं इसके एग्जाम्पल पे, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे थे ना, तो इसमें जो पैटर्न बना होता था किसका बना होता था आपका, प्लास्टिक वैक्स ठीक है, और ये एक्सपेंडेबल टाइप में होता है, किसका होता है, बात सही है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक्सपेंडेबल टाइप, तो आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, बता रखा था कैटेगरी। उसके बाद देखो आपका जो स्लरी यूज करते हैं हम लोग, स्लरी यूज करते हैं इथाइल सिलिकेट ठीक है, इथाइल सिलिकेट और वाटर, सिलिका ठीक है, और सब यूज करते हैं, बेसिकली हमारा ये था। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बराबर पूछता है, एप्लीकेशन कहां कहां करता है ठीक है, गैस टरबाइन ब्लेड, गैस टरबाइन ब्लेड बनता है किससे, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से, जेट इंजन पार्ट्स ठीक है, गाइड वेव ऑफ राडार, ठीक है। तो गैस टरबाइन ब्लेड, जेट इंजन पार्ट्स ठीक है, गाइड वेव राडार और डेंचियोर ठीक है, और उसके बाद गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो हमारे आभूषण बनते हैं ना ठीक है,
जो आभूषण बनते हैं वो कास्टिंग किससे बनते हैं? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बनते हैं। किससे बनते हैं? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है। ऑर्नामेंट वगैरह कहाँ से इन्वेस्ट, तो आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ठीक है। और ज़्यादा पूछता है आपसे गैस टर्बाइन ब्लेड, और आपसे क्या पूछता है डेंट थ्योरी है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन बने हैं और बनेंगे, ठीक है। डेंचर ये होता है ना बेटा कि ये आपका कुछ आपके दांत रिलेटेड वगैरह जो होते हैं ना, मेटेरियल मेटेरियल के बने होते हैं वो, उससे बनते हैं वो, ठीक है। तो उसके लिए बनता ही है। हाँ, जो मेटालिक दांत वगैरह जो लगाते हैं, क्या वो जो सिस्टम बनता है वहाँ पर ना, तो वो इससे बनता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से। आगे चलते थे हम लोग, आगे चलते हम लोग। इसी में आपका, मैं एक्सपेंडेबल की बात कर रहा हूँ सब, किसका बात कर रहा हूँ? इसमें एक होता है सेल मोल्डिंग, ठीक है। क्या होता है इसमें भी, जो पैटर्न बना होता है आपका, पैटर्न बनता है आपका मेटल ऑब्जेक्ट का बनाता है, ठीक है। जनरली कास्ट आयरन का रहता है, उसको हीट करते हैं कितना, 230 से लेके 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर देते हैं उस मेटल को, ठीक है। उस मेटल को क्या करते हैं, 250। अब देखो, मान लिया ये आपका क्या था, ये क्या था आपका, मेटल था, ऑब्जेक्ट था, और हम लोगों ने एक फ्लास्क में रखा है, ये मेटल ऑब्जेक्ट है, समझ आ रहा है ये चीज़ें, ये मेटल ऑब्जेक्ट है, ये फ्लास्क है, फ्लास्क में मैंने क्या रखा हूँ, ठीक है। इसमें इसमें देखो, इसमें रखा गया सैंड, इसमें रखा सैंड, कोटेड सैंड, क्या है आपका, कोटेड सैंड विथ रेजिन, ठीक है। अब क्या किया, हाई टेम्परेचर कितना है इसका, 230 से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर। कभी कभी पूछा है सेल मोल्डिंग में टेम्परेचर जो मेटल का होता है आपका, ऑब्जेक्ट मेटल का होता है, अब ये पूछा क्या, हाँ ये क्या आपका टेम्परेचर पूछा है, क्वेश्चन दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, तो आपको 230 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखने हैं, ठीक है। ये मेटल का बना होता है, ये भी याद रखने हैं आपको, ठीक है। कास्ट आयरन का बना होता है, इसमें क्या होता है सैंड होता है, सैंड में कुछ रेजिन रेजिन होता है, ठीक है, कोटेड रेजिन होता है। अब देखो इसको क्या करूंगा, पलट दूंगा, तो आपका देखोगे सभी रेजिन कहाँ मिल जाएंगे, इस पे इसके ऊपर आ जाएंगे, अरे इसके ऊपर आ जाएंगे ना, ये इसके ऊपर आ जाएंगे रेजिन, तो हाई टेम्परेचर में है तो रेजिन क्या होगा, धीमे धीमे क्या करेगा वो, ठीक है, मेल्ट स्टार्ट, हालांकि क्या होगा, मेल्ट करना स्टार्ट कर जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेल्ट हो जाएगा, इसके आ तरफ क्या हो जाएगा, रेजिन इस तरह से डिपॉजिट हो जाएगा, समझ आ चीजें। तो रेजिन है, तो रेजिन क्या होगा, इस पे डिपॉजिट स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा डिपॉजिट होने लगेगा। अब इसे क्या करेंगे, इस मेटल को क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम लोग, रिमूव कर लेंगे, तो आपका सिर्फ प्रोडक्ट कैसा बना, ऐसा ही दिखेगा ना, अरे इसके सरफेस पे जो था बस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो आपका मेन ऑब्जेक्ट बनाना था बन जाएगा। तो ये हो गया आपका सेल मोल्डिंग से, क्या हो गया, सेल मोल्डिंग, टेम्परेचर पता होना चाहिए, रेजिन पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो यूज करते हैं हम लोग, क्या क्या यूज करते हैं, फाइन ग्रेन सिलिका, ठीक है, फाइन ग्रेन सिलिका, उसके बाद यूज करते हैं हम लोग, आपसे क्वेश्चन पूछा था यहाँ से, रेजिन कौन सा यूज करते हैं, फिनोलिक, फिनोलिक रेजिन, ये याद रखना है आपको, ठीक है। समटाइम्स एल्कोहल यूज करते हैं,
तो फिनोलिक रेजिन पूछता है किस टाइप में आप स्टैंड में यूज करते हैं, तो आप बोलोगे सेल मोल्डिंग में। ठीक है, क्या बोलोगे? तो आपको ये फिनोलिक रेजिन आपको ये पता होना चाहिए। तो ये हो गई। अब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग। क्या देख लेते हैं? एप्लीकेशन, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन मेन होता है। ठीक है, कुछ याद रहना रहे लेकिन एप्लीकेशन याद रहना चाहिए, एप्लीकेशन हमेशा याद रहना चाहिए। तो एप्लीकेशन हो गया आपका सिलेंडर हेड। क्या हो गया? सिलेंडर हेड जो बना होता है आपका किससे बना होता है? सेल मोल्डिंग से। ठीक है, एंड सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है, ये भी बना होता है किससे आपका बना होता है? किससे बना होता है? किसकी बात कर रहा हूँ? सेल मोल्डिंग की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसके बाद देखो आईसी इंजन रॉकर आर्म, ठीक है, ये भी बना होता किससे? सेल मोल्डिंग। तो सेल मोल्डिंग पढ़ लिया हम लोग, इन्वेस्टमेंट मोल्डिंग पढ़ लिया, और सभी का एप्लीकेशन पता हो गया। हो गया ना? तो अब पढ़ते हैं हम लोग परमानेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? परमानेंट में आ जाओ। परमानेंट का मतलब क्या हो गया? मेटेलिक मोल्ड। ठीक है, परमानेंट में मेटेलिक मोल्ड हो गया। अब आ जाओ जो मेन क्वेश्चन पूछता था ना, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ठीक है, क्या होता है? एक होता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। अब देखो ये होगी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। से आपसे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में क्या होता है? ठीक है, एक मोटी मोटा देख लो आप। तो मान लिया जाए सेंट्रीफ्यूगल का ये मतलब हुआ कि वो क्या किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, मेटल क्या हो रहा है? जैसे मान लो मान लिया सपोज ठीक है, मान लिया यहां से हम लोगों ने मेटल क्या कर रहा हूं? पोर कर रहा हूं। ठीक है, मेटल डाल रहे हैं। अब ये रेरा कर रहा है एक्सिस से रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है आपका? रोटेट हो रहा है, यानी कि जब मेटल डालूंगा तो सभी मेटल कहाँ चले जाएंगे? आउटर एरिया पे चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है ना, ऐसे रोटेट कर रहा है, मेटल डालेंगे एक्सिस पे तो क्या चले जाएंगे? इसके सभी पेरीफेरी में चले जाएंगे मेटल, तो पेरीफेरी से चिपके रहेंगे। उसके बाद सॉलिडिफिकेशन होगा, तो बेसिकली क्या हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा? आपको हॉलो शेप में आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? हॉलो शेप में आ जाएगा, इस टाइप में। हाँ, तो इस टाइप में बन जाता है। तो ये आपकी हो जाएगी, किससे हो जाएगी? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो हॉलो पाइप वगैरह, ठीक है, बनाते हैं हॉलो पाइप वगैरह किससे बनाते हैं? ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल। तो क्या हो जाएगा आपका? देखो यहाँ पे ये सेंटर हो गया ना, ये सेंटर हो गया, और आपका जो मेटल होगा इस एक्सिस पे डिपॉजिट होगा, है ना, ये होगा। अब देखो यहाँ पर हाई डेंसिटी होगा ना, हाई डेंसिटी मेटल यहाँ चला जाएगा, और लो डेंसिटी मेटल कहाँ जाएगा? लो डेंसिटी मेट हाँ लो डेंसिटी आपका मेटल या जो भी कलो मटेरियल, ठीक है, कहाँ जाएगा आपका? सेंटर पर। समझ आया चीजें? हाई डेंसिटी कहाँ चला जाएगा? पेरीफेरी पर। समझ आया चीजें? हाई डेंसिटी कहाँ जाएगा? पेरीफेरी पर। और लो डेंसिटी मतलब जितने भी आपके जो लो डेंसिटी होंगे वो कहाँ आ जाएंगे? कलेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब इम्प्योरिटी जितना होगा कहाँ कलेक्ट हो जाएगा हमारा? सेंटर पर। इम्प्योरिटी मतलब क्या कि आपका जो भी इम्प्योरिटी होगा सब लो डेंसिटी होगा, कहाँ कनेक्ट हो जाएगा आपका?
ठीक है, सेंटर पर कनेक्ट जाएगा और हाई मेटल जो अच्छा मेटल होगा वहाँ चला जाएगा आपका पेरीफेरिक पर। तो कहने का यह मतलब होगा, ठीक है, तो आपसे एप्लीकेशन की बात करूँगा मैं, किसकी बात करूँगा, एप्लीकेशन की बात करूँगा जहाँ से पूछा जाता है आपका, ठीक है। ये हो जाएगा हॉलो सिलेंडर पाइप, हॉलो सिलेंडर पाइप, बात समझ आई। उसके बाद एक और आता है आपका गन बैरल, ठीक है, बंदूक की नली देखे हो ना, तो वो होगी आपकी। हाँ, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जितने इम्प्योरिटी होता है कलेक्ट कहाँ पे जाता है आपसे, सेंटर पर, ठीक है। इम्प्योरिटी का लो या कह लो आप लो डेंसिटी, क्या बोल लो, लो डेंसिटी, ये बेटा कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्ट एट ए सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है, टूवर्ड्स सेंटर। अब आप सबको देखो, यही में बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया ये, ठीक है। सेंट्रिपिकल कास्टिंग में जितने इम्प्योरिटी होते हैं कहाँ कलेक्ट होता है, आप बोलोगे कहाँ पे होता है, टूवर्ड्स द सेंटर आया था, ठीक है, टूवर्ड्स द पेरीफेरी आया था, इन बिटवीन सेंटर पूछा था, ठीक है ना, नाम देव ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो ये होगी आपकी सेंट्रिफ्यूगल की बात, समझ आया। तो यहाँ से एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हमेशा हालो सेंटर पाइप पूछ दिया जाता है, तो इसके क्या होते हैं आप बता लोगे। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ डाई कास्टिंग की, किसकी बात करता हूँ, डाई कास्टिंग की, डाई कास्टिंग में बैठो। देखो एक होता था आपका कौन सा, एक होता था आपका प्रेशर और ग्रेविटी ना, एक होता था प्रेशर और होता है ग्रेविटी। देखो इसमें आपका मेटालिक क्या होगा, मोल्ड बना होगा, इसमें जो आपका जो मोल्टेन मेटल आ गया ड्यू टू ग्रेविटी से आएगा, ठीक है, आपने डाल दिया और ग्रेविटी से क्या करेगा, पूरा फिलअप कर जाएगा, तो उसे बोलेंगे ग्रेविटी टाइप डाई कास्टिंग, ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्रेविटी डाई कास्टिंग, ठीक है। इसमें मतलब हो गया आपका मोल्टेन मेटल जो होगा, मोल्टेन मेटल फ्लो थ्रू ग्रेविटी, क्या हो जाएगा, थ्रू ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा आपका मोल्टेन मेटल फ्लो थ्रू ग्रेविटी। तो इसका मतलब ये मोल्ड में आपको ग्रेविटी से आ रहा है, तो आपसे एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एप्लीकेशन की बात करता हूँ मैं, तो एप्लीकेशन से आप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बराबर, तो एप्लीकेशन में क्वेश्चन आ जाएगा आपका, हाँ, पिस्टन यूज इन, क्या आ जाएगा, पिस्टन यूज इन ऑटोमोबाइल, पिस्टन यूज इन ऑटोमोबाइल मेड ऑफ किसका बना होता है, एल्युमिनियम एंड इट्स एलॉय का, ठीक है, ये पूछा गया है बराबर, पूछा जाता है एल्युमिनियम एंड इट्स एलॉय का, ये किससे बनाते हैं, आप बोलोगे ग्रेविटी डाई कास्टिंग से, किससे बनाएंगे हम, ग्रेविटी डाई कास्टिंग से बनाएंगे, कौन सा, एल्युमिनियम एंड इट्स एलॉय का जो किसका पिस्टन बनाएंगे, पिस्टन इन ऑटोमोबाइल, आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया, पिस्टन इन ऑटोमोबाइल मेड बाई द एल्युमिनियम एंड इट्स एलॉय जनरली क्या कास्टेड बाई, तो आप बोलोगे ग्रेविटी डाई कास्टिंग। प्रेशर की बात करता हूँ, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, मोल्टेन मेटल फ्लो करते हैं फ्लो थ्रू पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, हाँ, क्या पिस्टन रिंग, हाँ, क्या पिस्टन कर रहे हो, तो पिस्टन आया ना, ये अगर मैं बता रहा हूँ ऑटो, अगर पिस्टन बनाएगा किसके लिए, एल्युमिनियम और एलॉय के बनानी हो तो इसके लिए यूज करते हैं सिर्फ, ठीक है, पिस्टन अगर मैं बोलूँ एल्युमिनियम का बनाना है सिर्फ, तो हम बोलेंगे किसके लिए, तो ये इसका यूज करेंगे, इस डाई कास्टिंग का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था आपका, हार्ड डाई कास्टिंग, और क्या था दूसरा, कोल्ड डाई कास्टिंग, यही था ना। अब देखो हार्ड डाई कास्टिंग में
देखो हार्ड डाई कास्टिंग की बात करता हूँ तो मेड ऑफ मेड अप ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल, ठीक है, लेड, टिन, जिंक, और इसके लिए हो जाएगा आपका मेड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर मटेरियल। एग्जाम्पल में देख लो, ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाता है लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, वो किससे बनाते हैं, आप बोलोगे हॉट डाई कास्टिंग से। आपसे पूछेगा हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर किस बनाते हैं, कोल्ड डाइंग से, ठीक है। आपसे बोले हाई मेल्टिंग एल्युमिनियम का आप ब्रास किस बनाते हैं, कोल्ड टाइप से। तो ये आपसे, आप क्या रहे, ये चीज़ें याद रखेंगे पूरा पूरा टर्म, ये हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मटेरियल का नाम दे देगा आपका, ठीक है, आपसे दे देगा, उससे बोलेगा कौन से डाई से कास्टिंग बनाते हैं, टिन का, कॉपर का दे दिया, कॉपर बताओ किससे बनाते हैं आप, कोल्ड से, ठीक है। ब्रास का देता है तो दो सब नाम देता है, पूछ लेता है किस टाइप ऑफ डाई कास्टिंग से बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए नाम, और ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि लो पूछ रहा है कि हाई पूछ रहा है, हाई मेल्टिंग रहा है, किस कैटेगरी में आता है, ये इससे ज़्यादा नहीं पूछता है इसमें, ठीक है। समझ में आया चाहिए। और इसका एप्लीकेशन देख लो, एप्लीकेशन अगर मैं मोटी मोटी तौर पर देखा जाए टोटल का एप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा आपका कार्बोरेटर, ठीक है, क्रैंक केस, फ्यूल इंजेक्टर, ये इससे बनते हैं डाई कास्टिंग से, ठीक है। तो ये रही आपकी डाई कास्टिंग। इसके बाद आएगी स्लस कास्टिंग, क्या आपका स्लस कास्टिंग, तो स्लस कास्टिंग में देख लो क्या था आपका स्लस कास्टिंग में, तो ये बेसिकली आपका बनाया जाता है टॉय, ठीक है, डेकोरेटेड डेकोरेटेड पार्ट्स लैंप होल्ड ठीक है, ये भी हो गया आपका। हाँ, जितने भी खिलौने वगैरह बनाते हैं स्लस कास्टिंग से बनाते हैं, ठीक है। ये रही टाइप ऑफ कास्टिंग, इसके एग्जाम्पल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसमें एक और चीज बचा हुआ है, डिफेक्टिव कास्टिंग, क्या पूछा है, डिफेक्ट इन कास्टिंग, वहां से क्वेश्चन हमेशा बने हैं, क्या, अरे वो सजावट डेकोरेटेड टाइप में होता है, लैंप होल्डर बनाते होंगे सब, ठीक है। ठीक है, ये रही आपकी कास्टिंग, टाइप ऑफ कास्टिंग एग्जाम्पल बनते हैं। टाइम हो गया क्या, तो आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग टाइप ऑफ कास्टिंग, ठीक है। अरे क्या बोलते हैं हम लोग, डिफेक्ट इन कास्टिंग, क्या क्या डिफेक्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको थोड़ा सा क्या करेंगे एलिबरेट करके देखेंगे कि कौन कौन से किस टाइप और किस वजह से हो रहे हैं,
ठीक है, उसका रीजन देखेंगे, क्योंकि रीजन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, ओके। आपको चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जरूर, ठीक है। थैंक यू सो मच।